right now I'm using GoPro mic adapter with external mic and microphone testing 1 2 3 4. Hello. तो हाय गाइस, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं टीम एक्स भी। और अगर आप में से कोई भी GoPro इस्तेमाल करते हो, GoPro Hero 7 Black, GoPro Hero 6 Black या फिर GoPro Hero 5 Black, तो अगर आपको एक्सटर्नल माइक यूज़ करना हो तो आपको इसके लिए एक माइक एडप्टर जो है वो खरीदना पड़ेगा। जैसा कि अभी के जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन हैं उन पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको इसमें एक एयरफोन लगाना हो तो उसके लिए आपको एक एडप्टर खरीदना पड़ता है, एक छोटा सा तार का टुकड़ा। तो ऐसा ही GoPro के साथ भी है। GoPro में आपको कोई भी एक्सटर्नल माइक का जो जैक है वो देखने को नहीं मिलता है, एक सिर्फ USB टाइप सी पोर्ट है और एक शायद USB टाइप ए पोर्ट है। तो उसके लिए आपको एक माइक एडप्टर खरीदना पड़ता है। तो ये रहा मेरा नया फोकस कर ले GoPro माइक एडप्टर, जो कि एक माइक एडप्टर ही है लेकिन इसका जो प्राइस है वो बहुत ही हाई है इसके हिसाब से। और इसके साथ मैंने ख़रीदा है एक लेपल माइक, जो कि एक सस्ता लेपल माइक है, वो आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। मैंने इसे अभी अमेजोन से लिया है, 150 शायद था इसका प्राइस। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। तो अभी मैं करता हूँ इसका एक जल्दी से अनबॉक्सिंग और अपने हेलमेट में लगाता हूँ और आपको ऑडियो क्वालिटी भी एक बार सुनाता हूँ। तो इस बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है। तो ये रहा एडप्टर और कुछ नहीं इसमें, आपको पेपर वगैरह मैनुअल कुछ नहीं मिलेगा इसमें, GoPro के स्टिकर्स भी नहीं मिलते इसके साथ। तो ये रहा ये माइक एडप्टर। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट और 3.5mm माइक का जैक, मतलब आप इस पे जब अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो अब इसको आप चार्ज भी कर सकते हो। तो ये रहा मेरा GoPro Hero 7 Black। और अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो बहुत ही बड़ा है कैमरा के हिसाब से, ऐसे तो पिद्दूजा है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं GoPro के साथ कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हो साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो इसमें दिक्कत यह होगा कि ये जो है वो हेलमेट के अंदर जाएगा नहीं, तो इसे मुझे बाहर कहीं पर फिट करना पड़ेगा। तो आप ही करते हैं इसको फिट, लेकिन उससे पहले एक बार मैं ऑडियो टेस्ट करके देख लेता हूँ कि कैसा ऑडियो ये प्रोवाइड करता है। खुल जा, तो इसका जो ये वाला जो स्लाइडिंग पार्ट है वो आप खोल के भी रख सकते हो, क्योंकि जब आप केस यूज़ करोगे तो इसको खोलना ही पड़ेगा अगर आप माइक एडप्टर यूज़ करते हो उसके साथ। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग GoPro माइक एडप्टर विथ एक्सटर्नल माइक एंड माइक्रोफोन टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो। तो ऑडियो जो है वो तो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी मैं इसको लगा तो अपने हेलमेट पे। तो ये है GoPro का जो केस है वो एडप्टर के लिए, और एक भी केस आता है जिसमें नीचे से एडप्टर जो वो फिट हो जाता है एक ही केस के अंदर। तो वो वाला केस मेरे पास फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लगा रहा हूँ एडप्टर को। उसके बाद बाहर जाके आपको कुछ ऑडियो सैंपल जो है वो सुनाता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं इस जगह पे फिट करूँगा, और एडप्टर का जो केबल है वो भी बहुत ही छोटा है तो मैं यहाँ तक भी इसको नहीं ला सकता। तो मेरे पास वेलक्रो है तो मैं इसके पीछे से वेलक्रो लगा दूँगा और यहाँ पर भी वेलक्रो लगा के उसको यहाँ पर चिपकाऊंगा। तो आई होप जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छा आ रहा होगा, या फिर विंडोज भी आ सकता है क्योंकि माइक जो है थोड़ा सा हेलमेट के नीचे है। तो इसका जो प्राइस है वो इंडिया में 4,300 है। और पिछले काफ़ी महीनों से मैं इसे ख़रीदने की कोशिश कर रहा था लेकिन ना ही मुझे ये अमेज़ॉन पे मिल रहा था और ना ही फ्लिपकार्ट पे और ना ही दूसरे किसी वेबसाइट पे। और GoPro के साथ एक्सटर्नल माइक अगर आपको यूज़ करना हो तो यही एक लौता चारा है, ख़रीदना पड़ेगा या आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए शायद GoPro वाले जानते हैं और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही हाई रख दिया उन्होंने। और मैंने अपने बाइक के जो सामने की जो मिरर्स हैं वो मैंने खोल दिए, लेकिन जल्दी मैं लगा दूंगा क्योंकि बहुत ही अनकंफर्टेबल सा होता है मुझे।
क्योंकि आदत हो चुकी है मिरर्स की, तो पीछे देखने के लिए फॉर सेफ्टी पर्पस और अपना थोबरा भी देख सकता हूँ कभी कभी। थंबनेल का हो गया, अभी घर चलते हैं। अगर आपको विदाउट माइक ऑडियो सुनना है तो आप आई बटन पे मैं एक वीडियो डाल दूंगा, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो। उस पर मैंने विदाउट माइक अपना जो GoPro है वो यूज़ किया, तो उसको देख के आप कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा है या नहीं। तो अभी बढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट्स जो आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो पे किया था। तो आज का पहला कमेंट, कुणाल सिंहा, आपका हर वीडियो देखता हूँ ब्रो, एक भी मिस नहीं करता, फैन ऑफ योर्स, थैंक यू भाई। उसके बाद है पुष्पी, वो योर बाइक लुक्स ग्रेट, थैंक्स। उसके बाद है देवाव्रत बोरा, लव यू ब्रो, तुम्हारी हर वीडियो देखता हूँ यार, बिग फैन, थैंक यू भाई। नेक्स्ट है धनशुक ठाकुर, नाइस वर्क पाजी। उसके बाद है अपराजिता पाल, सच ए कूल एडिटिंग ब्रो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है अस्मित थापा, बाय योर बाइक लुक रियली ऑसम एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो कूल, थैंक्स। उसके बाद है पबजी लवर प्रेम, दादा तुम्हें बंगाली कुथाए थाको तुम्हें, आई एम फ्रॉम कुछ बिहार, है भाई हमें बंगाली और हमें थकी शिलचार आसाम है। मोस्टर गेमिंग पूछते हैं, आई हैव ए क्वेश्चन दैट RS 200 इज गुड बाइक, इफ आई बाई इट इन 2020 प्लीज इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दो भाई। तो ज़रूर बनाऊंगा भाई, कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद मैं बनाऊंगा इस टॉपिक पे एक वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, ये बोलने की बात नहीं है, ये आपको करना है, ठीक है। वीडियो देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शायद अच्छा होगा अगला वीडियो, तो देखना ज़रूर। टाटा बाय बाय।